Friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about कि जो cosmetic industry का experience होता है क्या वो pharma industry में count होता है या नहीं होता है, इसका आज मैं आप लोगों को एक appropriate answer यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और आप लोगों का ज्यादा time नहीं लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि cosmetic industry का जो experience है वो pharma industry में count नहीं होता। और क्यों नहीं होता ये भी आप लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो अलग होते हैं, अगर हम लोग उसकी बात फार्मा इंडस्ट्री के साथ में करें तो। फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, परफ्यूम, आप लोगों का वहाँ पे सोप, अदर भी बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो है अलग प्रिंसिपल्स यूज होते हैं या वर्किंग डिफरेंट होती है, तो एक्सपीरियंस जो आप लोगों को वहाँ पे होता है वो डिफरेंट होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता फार्मा इंडस्ट्री में, तो इसीलिए उसको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। अब जो फार्मा इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी ड्रग्स डोजेस फॉर्म बनती है लाइक सिरप, सस्पेंशन, कैप्सूल, इंजेक्शन, टैबलेट, ये बनता है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वर्किंग यूज होती है, तो इसीलिए जो है परफ्यूम जो सॉरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। या फार्मा इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस ले रखा है और फर्दर आप लोग वहां पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो जहां पे आप लोगों को जाना है तो स्टार्टिंग में ही आप लोग उसी टाइप की इंडस्ट्री चूज करके स्टार्टिंग में ही एक डिसीजन लें और वहां पे जाएं, बाद में स्विच करने का ऑप्शन आप लोगों का